अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बर्गर पैटीज बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम बर्गर के पैटीज बना लेंगे। पैटीज बनाने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी वो आप नोट कर लें। हमने लिया है आधा किलो चिकन का कीमा, एक अंडा हमने फेंट लिया है। हम सारा अंडा यूज़ नहीं करेंगे, जितना हमारा मटेरियल में लगेगा सिर्फ हम उतना ही अंडा यूज़ करेंगे। हम लेंगे नमक 1 टीस्पून, हम लेंगे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर 3/4 टीस्पून, मिक्स हर्ब्स हम ले लेंगे 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट हम लेंगे 1 टेबलस्पून, और हम सब्ज़ मिर्चें लेंगे जिन्हें हम चॉप कर लेंगे, और हम लेंगे वर्सटिशियर सॉस जिसका हम 1 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। अब हम चिकन में सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे और चिकन को मिक्स कर लेंगे। हम चिकन में डाल लेते हैं सब्ज मिर्चें, नमक, काली मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये मिक्स हर्ब्स। अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 टेबलस्पून वर्सटिशियर सॉस। ये हम 1 टेबलस्पून वर्सटिशियर सॉस डाल लेते हैं और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें अंडा डाल लेते हैं जिसे हमने फेंट लिया था। हम थोड़ा थोड़ा करके अंडा डालेंगे और देख लेंगे जितने की हमें ज़रूरत है सिर्फ उतना डालेंगे। अगर हम ज़्यादा अंडा डाल लेंगे तो ये बहुत नरम पड़ जाएगा। कोशिश करें 3 टेबलस्पून डालकर देख लें, अगर थोड़ा सा और चाहिए हो तो और डाल लें। अब हम अपना बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर तैयार करने के लिए हमने जो सी चीज़ें ली हैं वो आप नोट कर लें। हमने लिए हैं 3 टेबलस्पून मैदे के, नमक 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून और कॉर्नफ्लोर ले लिया है हमने 1 टेबलस्पून, और हमें चाहिए होगा पानी। पानी हम उतना ही डालेंगे जिससे थिक बैटर बन जाए, हमें ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए। अब हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। इसमें हम नमक डाल लेते हैं, ब्लैक पेपर डाल लेते हैं और कॉर्नफ्लोर और बेकिंग पाउडर, हम सब कुछ इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम उतना ही डालेंगे जितना हमें ज़रूरत होगा, हमने ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना, इसलिए हम पानी हल्का हल्का करके ऐड करेंगे ताकि एकदम से ना डल जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इधर हम बहुत ध्यान से काम करेंगे ताकि हमारा बैटर पतला ना हो जाए। इसमें थोड़ा पानी और ले लेंगे। ये हमने सेल्फ रेजिंग फ्लावर तैयार कर लिया है, ये हम अपने पैटीज के इर्द गिर्द लगा लेंगे। अब हम अपने पैटीज तैयार कर लेते हैं। ये हम हल्का हल्का मैदा उस प्लेट में हम छिड़क लेंगे जिसमें हमने अपने पैटीज रखने हैं। ये अब हमने ऑयल ले लिया है ताकि ये हमारे हाथों को चिपके ना, ये मटेरियल बहुत हाथों को चिपकेगा, इसलिए हम ये ऑयल को अपने हाथों पे रब कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी पैटीज बना लेंगे। पैटीज आप किसी भी साइज के बना सकते हैं। ये हमारे पैटीज तैयार हो गए हैं। अब हम इनको पहले बैटर में डिप कर लेते हैं। ये हमने बैटर में डिप करने के बाद मैदे में डिप कर लिया है। इसको इर्द गिर्द हमने मैदा लगाना है यानी के प्लेन फ्लावर लगाना है।
और अब ये हमारे पैटीज तैयार हो गए हैं। हम इनको 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे क्योंकि ये बहुत नरम होंगे, फिर थोड़े से हार्ड हो जाएंगे और हम वैसे ही बनाएंगे। ये हमारे 15 मिनट्स हो चुके हैं, हम इनको फ्राई कर लेते हैं। अब हमने फ्राई पैन में ऑयल डाल लिया है, ऑयल गर्म होने पर हम इनको फ्राई कर लेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम पैटीज डाल लेते हैं। ये अब हम इसमें दूसरा पैटीज डाल लेते हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। हमारी टिक्कियां तैयार हो गई हैं, अब हम अपने बर्गर असेंबल कर लेंगे। ये हमने सैलड काट ली है, सैलड में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं यूज कर रही हूँ सलाद के पत्ते, खीरे, टमाटर और सूख मूलियाँ। आपका जो दिल करे आप वो डाल सकते हैं। ये हमारी सारी चीजें तैयार हैं। ये पैटीज हैं जो हमने बना लिए थे, सैलड जो हमने काट ली थी, ये तहीना पेस्ट है, आप भी तहीना पेस्ट यूज कर सकते हैं। ये चीज है, ये बंस हैं, ये केचप, मायनीज। अब हम सबसे पहले तहीना पेस्ट लगा लेते हैं। अब पैटीज रख लेते हैं। अब हम चीज लगा लेते हैं। अब हम सैलेड लगा लेते हैं। अब हम मायनीज लगा लेते हैं। अब हम केचप लगा लेते हैं। हमारा पहला बर्गर तैयार हो गया है। हमारे बर्गर तैयार हो गए हैं, आप भी बनाएं और कमेंट में बताएं कि आपको कैसे लगे। हम अगर रेसिपी हमारी पसंद आए तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय।